नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। आज विशेष इन्फोटेक शेयर के बारे में बात करेंगे। शेयर का जो प्राइस है 1.35 रुपये, आज 5 पैसे का मार्केट में आज ग्रोथ आया है और ट्रेडिंग वॉल्यूम 3.85% का बढ़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मार्केट में अच्छे खासा काम हो रहे हैं। बाजार जब ओपन हुआ था तब शेयर का प्राइस था 1.25 रुपये, अपर सर्किट गया है 1.35 रुपये का, यानी 5 पैसे का मार्केट में ग्रोथ आया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी आपको क्या कुछ करनी चाहिए, 1 घंटे का चार्ट में देखोगे तो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखोगे मार्केट में दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा के टाइम से मार्केट में अच्छा खासा ग्रोथ आया। ठीक है, 1 रुपये का सपोर्ट था और अभी भी है, और लगभग 30 पैसे तक मार्केट ग्रोथ आया है। ठीक है, 30 पैसे का उछाल आया है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों अभी देखोगे मार्केट में एक टाइम में, यहाँ पर देख सकते हो आप रेड कैंडल देखने को मिली, जस्ट अभी 5 सेकंड पहले आप देख सकोगे लगभग 10% जो इन्वेस्टर है वो अपना सेल किया, अपना प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन जिन्होंने अभी सेल किया दोस्तों, उनका भी 100% का नुकसान होगा, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब 30 पैसे का उनको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अगर अभी उन्होंने अभी होल्ड किया होगा ना, तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि अभी आपको खरीदारी करने का टाइम है, अभी सेल नहीं करना है। जिन्होंने इस पॉइंट पर सेल किया है 1 रुपये और 30 पैसे का सपोर्ट जिन्होंने सेल किया है, उनको देख लेना इसी महीने के एंड तक हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। तो अभी आपको बस खरीदारी करने का टाइम है, सेल करने का बिल्कुल नहीं। और यहाँ देखोगे रेगुलर 5 पैसे का अपर सर्किट लग रहा है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे मतलब प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे लगभग 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा, और कल भी 5 पैसे का मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगा। और ट्रेडिंग वॉल्यूम आज देखोगे 4 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है मार्केट में, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। और वहीं दोस्तों बायर एंड सेलर अपडेट के देखोगे, आज जो बायर्स है 4,64,16,000, ठीक है, और सेलर्स है 1,37,51,000। जैसे मैंने बोला था 10% लोगों ने सेल किया, और जिन्होंने सेल किया उनको भारी नुकसान होगा, लेकिन जिन्होंने अभी बाय किया उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में।